ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, temples often have a goshala, which is a cow sanctuary or shelter. Goshala is a term derived from the Sanskrit words go meaning cow and shala meaning shelter or refuge. The goshala within an ISKCON temple is dedicated to providing care and protection to cows, which are considered sacred in the Vedic tradition. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, मंदिरों में अक्सर एक गौशाला होती है जो एक गाय अभयारण्य या आश्रय है। गौशाला संस्कृत शब्द गो से लिया गया है जिसका अर्थ है गाय और शाला जिसका अर्थ आश्रय या शरण है। ISKCON मंदिर के भीतर गौशाला गायों की देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है जिन्हें वैदिक परंपरा में पवित्र माना जाता है। In Vedic culture, cows are highly revered as they are seen as representation of motherhood, nourishment and abundance. ISKCON temples aim to promote cow protection and the ethical treatment of animals. The Goshala serves as a home for cows, including indigenous and exotic breeds, where they are provided with shelter, food and medical care. वैदिक संस्कृति में गायों को अत्यधिक सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें मातृत्व पोषण और बहुतायत के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। ISKCON मंदिर का उद्देश्य गाय संरक्षण और जानवरों के नैतिक उपचार को बढ़ावा देना है। गौशाला देशी या विदेशी नस्ल सहित गायों के लिए एक घर के रूप में कार्य करती है जहाँ उन्हें आश्रय भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है। The primary culture of Goshala is to preserve and promote the well-being of cows. ISKCON devotees believe that by caring for cows, they can cultivate compassion and demonstrate reverence for all living beings. The cow in the Goshala are often treated as family members and their milk is used for preparing sanctified food offerings known as prasadam, which is then distributed to the temple visitors and devotees. Goshala ka prathamik uddeshy गायों की भलाई को संरक्षित और बढ़ावा देना है। ISKCON भक्तों का मानना है कि गायों की देखभाल करके वे करुणा पैदा कर सकते हैं और सभी जीवित प्राणियों के लिए श्रद्धा प्रदर्शित कर सकते हैं। गौशाला में गायों को अक्सर परिवार के सदस्यों के रूप में माना जाता है और उन्हें दूध का उपयोग प्रसादम के रूप में जाना जाने वाला पवित्र भोजन प्रसाद तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में मंदिर के आगंतुकों और भक्तों को वितरित किया जाता है। साथियों, आपको ये कंटेंट कैसे लगा? आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जितना हो सके उतना लाइक्स कीजिएगा, शेयर्स कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो जय श्री कृष्ण के नाम पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले एपिसोड पर। नमस्कार।